इकोना पुलिस ने कोविड गाइडलाइन नियम का उल्लंघन करने के आरोप में इकोना कस्बे से ठेला व्यापारी समेत 11 दुकानदारों को पकड़कर पहुंचाया इकोना थाने। सभी पर धारा 151 की कार्यवाही करते हुए पुलिस ने सभी को भेजा इकोना न्यायालय। थाना क्षेत्र इकोना इलाके का एक पूरा मामला है, जहां पर स्थानीय इकोना पुलिस ने कस्बा के ठेला व्यापारियों व दुकानदारों को थाने में पकड़कर पहुंचाया और शांत भंग के आरोप में न्यायालय पर प्रस्तुत किया। उप जिला मजिस्ट्रेट ने सभी अभियुक्तों को जेल भेजने का वारंट जारी कर दिया। सूचना पाकर स्थानीय विधायक रामफेन पांडे ने पहुंचकर जेल भेजने का वारंट उप जिलाधिकारी से बातचीत कर खारिज कराते हुए दुकानदारों को रिहा कराया। कस्बा इकोना में उप जिलाधिकारी राजेश कुमार मिश्रा, क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाल शर्मा व प्रभारी निरीक्षक कमलाकांत त्रिपाठी, कस्बा प्रभारी सुकुमार शर्मा हमराह पुलिस फोर्स के साथ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कस्बे में निकली हुई थी। इस दौरान बेचू बाबा चौराहा से कसौधन धर्मशाला व संजय पार्क तक भ्रमण करते हुए दुकानदार व ठेला व्यापारियों की ओर से सामान बेचते हुए उन्हें पकड़कर अपने वाहन से थाने पहुंचाया गया, जहां पर सभी दुकानदार ठेला व्यापारियों को शांत भंग करने के आरोप में 11 लोगों को उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय पर प्रस्तुत किया गया। इसमें सोनू पुत्र राजकुमार, राजकुमार पुत्र भगवान दास, शिव कुमार पुत्र स्वामी नारायण, रशीद अहमद पुत्र जलील, फूल अली पुत्र साकिर, अनिल कुमार पुत्र राम नरेश, उस्मान पुत्र नजीर, पप्पू पुत्र जलील आदि लोग शामिल थे। जब इनको न्यायालय पहुंचाया गया तो वहां पर उप मजिस्ट्रेट ने इनका वारंट जारी कर दिया, जिसकी सूचना पाकर विधायक रामफेन पांडे मौके पर पहुंचे और उन्होंने उप जिलाधिकारी कोना से बातचीत कर सभी को रिहा कराया। साथ ही व्यापारियों को आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने दुकानदारों को आश्वासन दिया कि जल्द ही जिलाधिकारी महोदय से बातचीत करके पूर्व की भांत पूर्व और पश्चिम की पटरियों को एक एक दिन खुलवाने का आदेश जारी कराया जाएगा। इससे आने वाली समस्याओं से दुकानदारों को कोई परेशानी न हो। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके का एक पूरा मामला है, जहाँ पर तहसील परिसर में पहुंचकर विधायक रामफेर पांडे ने पकड़े गए सभी व्यापारियों को रिहा कराया। इस दौरान व्यापार मंडल के कन्हैया कसौधन समेत अन्य लोग मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में पहुंचे हुए विधायक ने उप जिलाधिकारी से बातचीत कर सभी को रिहा कराया। 151 में सभी पर कार्यवाही की गई। साथ ही व्यापारियों से विधायक ने भी अपील की कि लॉकडाउन नियमों का पालन करें, जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।